Good morning, dear students. Today, we are going to start our next chapter of course book, that is Dragon Rock. Before going to start this chapter, let's understand few word meanings. First is spick and span, a tail very clean and tidy. Tail means पूंछ, एक पूंछ जो बहुत clean एंड टाइडी साफ सुथरी है. यहाँ स्पिक एंड स्पैन का मतलब इस लेसन में है साफ सुथरी जगह से. ज़िगज़ैग टेल हैड अ पैटर्न दैट लुक्ड लाइक अ जेड और अ रो ऑफ जेड्स जॉइंट टुगेदर. एक ज़िगज़ैग टाइप का जेड की शेप का इस तरह का पैटर्न. ड्रूप्ड बेंट और हंग डाउन हैवीली. हैवी होने की वजह से किसी चीज़ का बेंट झुक जाना लटक जाना. क्रॉस हेयर क्रॉस मीन्स एंग्री. डिजी फीलिंग एज इफ एवरीथिंग इज टर्निंग अराउंड. गिडी मीन्स ऐसा फील होना जैसे आपके चारों तरफ सब कुछ घूम रहा है चक्कर आना. पॉलन पाउडर प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स. फ्लावर्स से प्रोड्यूस होने वाला पाउडर. ट्विच्ड मेड स्मॉल सडन मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. अचानक से बॉडी में थोड़ी सी मूवमेंट होना. रंबल मेक अ कंटिन्यूस लो साउंड. हल्की हल्की साउंड का आना आवाज़ का आना. श्रीकिंग मीन्स शाउटिंग. स्क्विलिंग मेकिंग अ लॉन्ग वेरी हाई साउंड और क्राई. ब्लास्टेड मेड अ वेरी लाउड एंड अनप्लेजेंट नॉइस. Whirlwind, a tall spilling column of air that moves about like this. Spinning column of air. Tinkling music, a light ringing sound. Spring, an area where water naturally flows out from the ground. एक ऐसा area जहाँ natural way से अपने आप ही पानी ground से ऊपर आने लगता है बाहर निकलने लगता है. Oozed flowed slowly out of something through a small opening. Flowed पानी का बाहर आना एक छोटी सी small opening से. Trickled flowed slowly without force in a thin line. बिना किसी force के पानी का धीरे धीरे बहना. Roared made a long loud deep sound because of the strong force of water. स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से जब वाटर बहता है तो उसके बहने से फ्लो होने से लॉन्ग लाउड डीप साउंड आती है जिसे क्या बोलते हैं रोड. मॉन्यूमेंट अ स्ट्रक्चर और बिल्डिंग दैट इज़ बिल्ट टू ऑनर अ स्पेशल पर्सन और इवेंट. एक ऐसा स्ट्रक्चर या बिल्डिंग जिसे किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए किसी स्पेशल पर्सन को रिस्पेक्ट उसे ऑनर देने के लिए बनाया जाता है. Yes, dear students, let's start reading of this chapter. People were happy in the quiet valley of Hazel. Hazel ki valley mein log bahut khush the, aram se wahan reh rahe the. They worked hard keeping their houses spick and span. Wo bahut mehnat karte the aur apne gharon ko saaf sutra rakhte the and their children's faces clean. Aur unke bacche bhi saaf sutre the. That summer had been very hot and dry, making the farm dogs sleepy and still. That summer, summers में एक दिन जब बहुत गर्मी थी तो उस दिन farm dogs भी sleepy, शांत थे. By 2 o'clock in the afternoon, the town would be in a sleepy state. दोपहर के लगभग 2 बजे पूरा town जो है वो sleepy state में था, means चारों तरफ शांति ही शांति थी. However, the children would always play in the meadow. बच्चे हमेशा कहाँ खेला करते थे? Meadow, grassy area में. Their favorite spot was a large long rock that looked like a sleeping dragon. उनका खेलने का जो favorite spot है वो क्या था? Large long rock जो एक sleeping dragon की तरह लगती थी. The children knew it was a dragon. बच्चों को पता था कि एक dragon है. The grown-ups knew it was a dragon. और grown-ups को भी पता था, जो बड़े हो चुके थे उन्हें भी पता था कि एक dragon है. The dogs and cats and birds knew it was a dragon.
डॉग्स को, कैट्स को और बर्ड्स को भी पता था कि ये एक ड्रैगन है, बट नोबडी वाज स्केयर्ड बिकॉज इट नेवर एवर मूव्ड। पर कोई भी इससे नहीं डरता था क्योंकि ये कभी भी इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हुई थी। द बॉयज़ एंड गर्ल्स वुड क्लाइंब ऑल ओवर इट, पॉकिंग स्टिक्स एट इट एंड हैंगिंग वेट बूट्स ऑन इट्स ईयर्स। बॉयज़ और गर्ल्स इसके ऊपर क्लाइंब किया करते थे, जंप करते थे, स्टिक से इसको छेड़ा करते थे और अपने वेट गीले बूट्स भी इसके ईयर पे हैंग कर देते थे, लटका देते थे। बट इट डिडंट माइंड इन द लीस्ट, पर बिल्कुल भी कोई भी इसे फ़र्क, ड्रैगन को फ़र्क नहीं पड़ता था, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती थी। पीपल वुड समटाइम्स चॉप फायरवुड ऑन इट्स zigzagged टेल। इसकी टेढ़ी मेढ़ी जो टेल है इसके ऊपर लोग कई बार फायरवुड, जो जलाने की लकड़ होती है, उसे रख के काटा करते थे। Often on a cool night the stories about how the dragon got there began। बहुत बार जब रात को थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता था तो लोग आपस में बातें करते थे, स्टोरी शुरू हो जाती थी ड्रैगन की कि वो यहाँ कैसे आया। Nobody knew for sure, but one thing that everybody knew was this। कोई भी श्योर नहीं था कि ये ड्रैगन यहाँ कैसे आया, लेकिन सबके माइंड में क्या था, इन टाइम्स ऑफ ट्रबल द ड्रैगन विल वेक एंड फ्री द विलेज बाई मेकिंग अ लेक। कि जब भी कोई ट्रबल होगा, कोई मुश्किल आएगी, तो ड्रैगन जाग जाएगा और विलेज को फ्री कर देगा एक लेक बनाकर। द लिटिल पोएम वॉज डीपली सेट इन एवरी बडीज माइंड। हर एक के दिमाग में ये छोटी सी पोएम सेट हो गई थी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो ड्रैगन उनकी हेल्प करेगा। द डेज वेंट बाय स्लोली, क्वाइटली एंड विदाउट एनी रेन। दिन बीतते गए धीरे धीरे बिना बारिश के। द वेल स्टार्टेड टू ब्रिंग अप मडी ब्राउन वाटर। अब कुएं से भी, कुआं भी सूख गया था, उसमें से भी अब मडी वाटर आने लगा था। द लॉन्स टर्न्ड ब्राउन एंड द फ्लावर्स ड्रूप्ड देयर ब्यूटीफुल हेड्स। लॉन्स अब ब्राउन हो गए थे क्योंकि ग्रास के सूखने से वो ब्राउन हो गया था, अब वो ग्रीन नहीं रहा था, और फ्लावर्स के जो ब्यूटीफुल हेड्स हैं वो भी अब मुरझाने की वजह से नीचे हैंग हो गए थे। द वैली बिकेम ब्राउनर एंड ड्रायर एंड थर्स्टियर एवरी हॉट डे। अब दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही थी और जो वैली है वो चारों तरफ अब हरियाली ख़त्म हो गई थी, चारों तरफ सूखा ही सूखा था, और ब्राउनर मतलब हरियाली ख़त्म हो गई थी, सारे ट्रीज सब ग्रास सूख के ब्राउन हो गए थे। द ड्रैगन विल हेल्प अस सून, सेड अ चाइल्ड। एक चाइल्ड ने बोला ड्रैगन हमारी हेल्प ज़रूर करेगा। ही मस्ट डू समथिंग, एग्रीड अनदर, आई एम श्योर ही विल। बाकी सब भी उसकी बात से एग्रीड थे कि वो पक्का ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। यस डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल रीड द फर्दर स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, द ड्रैगन रॉक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।